अच्छा, गाड़ी की ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, मंजर मैं और पिछली सीट पे आ गए, इमेजिन हम तीनों पिछली सीट पे बैठ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे सामने ड्राइविंग सीट वाली 7 वाली सीट के ऊपर बैठे हुए हैं खान साहब, ठीक है, और रियाज की सड़कें हैं चौड़ी, बड़ी 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 सड़कें, और MBS खाली प्रोटोकॉल नहीं, उन्होंने कहा कि बगैर प्रोटोकॉल के साथ कोई बंदा नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई ट्रांसलेट इंटरप्रेट कुछ भी नहीं है। खान साहब MBS को अगवा कर लेते तो फिर नहीं, खान साहब आपकी का ये दोनों का ख्याल है। हमने जो बातें सुनी हैं वो खान साहब की, कि खान साहब ने MBS के जहाज में ही काफी सारी गुफ्तगू की थी, उन्हीं दिनों की बातें। खान साहब हाईजैक हो गए थे, उन्होंने उतार दिया था रास्ते से। क्यों उतारा था ना, यही तो बात है, उस पे हम आएंगे। अच्छा, अब इस तरह से हुआ कि ये अभी जो बात है ना वो ये हुई कि 2 मुल्कों में जंग होने लगी थी, तो वो तो अब ना हम पीछे बड़े जो है तो एक्साइटेड होके बैठे हुए हैं तीनों, और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और वो उनसे मशवरा ले, कहते हैं यार मैं बड़ा काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। MBS कहते हैं खान साहब को, खान साहब कहते हैं क्या मसला है आपको, क्यों हाजमा ठीक है आपका? कहते हैं नहीं नहीं, हाजमे की मसला नहीं है, मसला जो है तो बड़े लेवल पे घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। उनका ठीक है मैं सही, उनका मसला बड़ा है, उनका क्या उम्मत का इजमा उम्मत का मसला है, उनका क्या। उन्होंने कहा कि ईरान अब बहुत तंग कर रहा है आजकल, तो हमने ना इसको सबक सिखाना है, इस पर हमला करना है, ईरान पे हमला करना है, ईरान पे हमला करना है। वाह, तो अब उन्होंने कहा कि अब आपको हमसे क्या मदद दरकार है? तो उन्होंने कहा चूंकि आप पड़ोसी हो तो, और भाई आप हमारे हो, पड़ोसी आप उनके हो, भाई आप हमारे हो, ठीक है, तो आपने अपना जो है तो फैमिली जो है ना वो कहते हैं फैमिली कम्स फर्स्ट, वो थॉमस शेल्बी कहता होता है ना, तो वो थॉमस शेल्बी की तरह आपने जो है तो वो फैमिली का साथ देना है, ना कि पड़ोसियों का साथ देना है। थॉमस शेल्बी से पहले ये बहुत पहले डॉन कॉर्लियोनी कह चुके हैं। अच्छा, तो गॉडफादर। हाँ, तो फिर अपना उन्होंने कहा कि फैमिली का साथ देना है और पड़ोसियों से लड़ना है। तो खान साहब ने बड़े गुस्से से देखा उनकी तरफ, जैसे वो अपने छोटे भाई को समझा रहे हों, और उनको कहा कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं, बेशक इख्तलाफ हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन मैं किसी मुसलमान का खून नहीं बहने दूंगा। देखें जी, ये होती है, वो दीवार बन के खड़े हो गए। ये होती है ग्लोबल लीडरशिप की बात, लेकिन मजे की बात है कि वो ग्लोबल लीडर है इमरान खान। अच्छा, अब MBS मान गए क्योंकि वो बड़े भाई है ना। इमरान खान कह रहा था MBS को ना मानता, MBS की जरूरत है कि वो इमरान खान एक बात कहे और ना माने? नहीं, सिर्फ इमरान खान ने, खान साहब सिर्फ एक बंदे की मानते नहीं, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, खान साहब सिर्फ एक बंदे की मानते थे, बंदे की। अच्छा, एक बंदे की। हुआ इस तरह से कि ना सिर्फ उन्होंने खान साहब ने उनको जंग करने से रोका, बल्कि उनको कन्विंस किया डायलॉग्स के लिए। वेरी गुड। और कहा कि मैं बनूंगा आपका जिरगोई, जिरगोई उर्दू का वर्ड है ना, जिरगा जी, जिरगे के अंदर जो वो असल में हम पंचायत होती है हमारी, हाँ, तो वो जिरगे में हम बैठेंगे, एक तरफ आपको बिठाऊंगा, दूसरी तरफ उनको बिठाऊंगा, और मैं खुद जो है तो आपका मसला हल करवाऊंगा। तो इसमें बुराई क्या है? तो फिर नहीं, फिर वो मान गए ना, इसमें बुराई कोई नहीं। खान साहब की ये मसला ये है कि वो जंग रोक लिया उन्होंने, उम्मत मुसलमान में जो एक इतना बड़ा जो है तो इतनी बड़ी जंग हो जानी थी, दो बन जाते हैं, आबादी कम हो जाती, मुसलमानों की नुकसान हो जाता। अब मुसलमान का तो आबादी तो कम नहीं होती हमारी भैया, ऐसी कच्ची गोलियां तो हमने भी नहीं खेली है ना। 7-8 लाख मर गया था जब इराक। मंगोल हमें नहीं खत्म कर सके, हमें यहूदी नहीं, ईसाई नहीं खत्म कर सके, हमने उनको मुसलमान कर लिया, मुगल बना लिया, तुर्क बना लिया, मंगोल वो खुद भी कोई मसला नहीं, सानू रोकना वाला कोई नहीं। भाई आबादी हमारी नहीं, खान साहब ने सही फैसला किया। अच्छा, लेकिन ये देखें मजाक से हट के कितना बड़ा जो है तो काम किया खान साहब ने, ये बड़ी ऑनेस्ट बात है। कश्मीर वाला जो उन्होंने फिर वाकया लिखा है, उन्होंने कहा कश्मीर के ऊपर जो है वो उठ खड़े हुए थे जनरल बाजवा के सामने, जो है वो शीशा पिलाई दीवार बन गई थी। शाह महमूद कुरैशी, इस्राइल का शाह महमूद कुरैशी ही बन गए थे खान के कहने पर। इसराइल का वाकया, शाह महमूद कुरैशी शीशा पिलाई दीवार बन गया, जिसे कहते हैं मतलब ये लग रही है निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, ये लग रही है गुलामी में काम आती हैं तकदीरें ना शब्द, ये फील हुई है। अगर मजा आया, लेकिन कुरैशी साहब तो सुना है, तुम्हें पूरा आता है? नहीं, मैंने तुक्का लगाया है। अच्छा, फिर बात सुने ना, यकीन पैदा आप ये कह रहे हैं, अली साहब कि बाजवा साहब, ये मजहर बरलास के बकौल बाजवा साहब कश्मीर का कुछ सौदा करने लगे थे। हाँ जी, और कश्मीर का सौदा नहीं, इसराइल का था। नहीं, वो इसराइल की बात तो अलग आएगी अभी तो। अरे भाई, शाह महमूद कुरैशी ने जरा सुनिएगा, बड़ी और बड़ी रोने वाली बात है, रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह बना लेना। एक कॉलम निगार ने तो लिख दिया है कि किस तरह शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा में इजलास बुलाया और जनरल बाजवा को वहां मायूसी का सामना करना पड़ा। मायूस कुछ वजाहतें यहाँ और कर दूं कि शाह महमूद कुरैशी ने यह काम इमरान खान के कहने पर किया था, क्योंकि इमरान खान कश्मीर के मुकदमे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। वेरी गुड खान साहब, शाह महमूद कुरैशी की भी यही सोच थी। इस दौरान तमाम तर दबाव के बावजूद इमरान खान ने झुकने से इनकार कर दिया। ये इनकार दरअसल सियासी मौत से बचना था। इक़्तिदार और सियासत के इस खेल में कुछ लोग बड़ी चालाकी से इमरान खान की सियासी कब्र खोद रहे थे, मगर इमरान खान इस मरहले पर कायदे आज़म के फरमुदात ले आए। वाह वाह, मुझे फरमान के जल्दी बताएं, पता देखिए कैसे खोले उन्होंने। उन्होंने कहा ये मैंने सीने से लगा के रखा था। उन्होंने कहा क्या, क्यों नहीं मान रहे? तो उन्होंने कहा कायदे आज़म ने फरमाया कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। इमरान खान खास तौर पर इसराइल के हवाले से तो उन्होंने कायदे आज़म के फरमान को सामने रखकर साफ इनकार कर दिया कि वो किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मुझे याद है इस दौरान इमरान खान पर कुछ और ममालिक का भी दबाव था, कुछ ममालिक ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया होगा कि अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लें तो बेशुमार फवायद होंगे। इस वक्त कुछ दोस्तों ने यहाँ तक कहा कि अच्छा कश्मीर तो हमारे साथ है मगर इसराइल की तो पाकिस्तान के साथ कोई सरहद नहीं मिलती, लिहाजा इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है, फिर जब दूसरे मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं तो हमें भी कर लेना चाहिए। लेकिन इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा रहा और मशवरा देने वालों के सामने। इमरान खान साहब हर जगह, नहीं मजेदार बात है, अगली लाइन बहुत मजेदार है, वो कहते हैं खड़ा रहा और मशवरा देने वालों के सामने कायदे आज़म का फरमान दोहराता रहा। वाह, क्या कायदे आज़म का फरमान था बताएं जरा, आप बता रहे थे मुझे भी ये प्रोग्राम शुरू में। नहीं ये बता रहे थे, आप बताएं क्यों बताएं। इल्लिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट है इजराइल, कायदे आज़म ने फरमाया था। साहब अगर ये कैसर खान साहब को पता है कि कायदे आज़म ने ये फरमाया था, आपने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी पाकिस्तान। बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी गलत बात है भाई साहब। वैसे ना ये भी एक हिस्टोरिकली जो है ना वो एक इनकरेक्ट बात है इसराइल वाला मामला, क्योंकि तब इसराइल एग्जिस्ट नहीं करता था। जब मामला ये कि जो लाइन है वहाँ पर खींची गई, अगर आप हैना आरंट को पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगी कि वो लिखती हैं कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बारे में ब्रिटिश पॉलिसी जो थी वो टोटली अलाइन थी विद इंडिया ऑफिस। अच्छा, इंडिया में जो फैसला होगा वही यहाँ पर फैसला होगा। तो अगर हमने इस वक्त इंडिया में पाकिस्तान बनाने का फैसला किया तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि हम इसराइल को ना बनाएं, क्योंकि हम पाकिस्तान बनाएंगे तो लोग हमें कहेंगे कि वहाँ पर तुम्हारी ये पॉलिसी है, यहाँ पर ये पॉलिसी, इसका मतलब है दोनों जगह तुम मुस्लिम्स को फेवर कर रहे हो, विच इज वाई their policy was totally subservient to India offices policy। इनिशियल जो लोग जा रहे थे, जो जूज इनिशियली माइग्रेट कर रहे थे इसराइल की तरफ, उसमें कुछ शिप्स के ऊपर हमला भी किया था बरतानवी फौजियों ने उसकी बहुत बड़ी वजह ये ब्रिटेन जो है वो इट वाजंट इन फेवर ऑफ इसराइल इन द स्टार्ट। अमेरिका फेवर में था लेकिन ब्रिटेन कभी भी उसकी फेवर में नहीं था। बहुत अच्छा, लेकिन ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई। अमेरिका चाहता था तो इसराइल बन गया, अमेरिका चाहता था तो इमरान खान साहब को उसने इक़्तिदार से निकलवा दिया। अमेरिका तुम भी बाज आ जाओ, खान साहब वापस आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि अमेरिका में भी खान साहब की हुकूमत। और वो उनको गुस्सा आ गया ना, बहुत ऊंची ऊंची रोते हैं कौन, और उनके मुखालफिन रोते हैं। और जिससे मुझे याद आया, अब हम मज़हर बरलास साहब की तो बात कर ही रहे थे, आज भी खान साहब ने एक बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू दिया। फरमांदे ने कि मेरे मुखालफिन यानी कि शहबाज, उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब का मैं वो हाल करूँगा कि रात को उनको सोने के लिए नींद की गोलियाँ खानी पड़ेंगी। आप देखें वो क्या, और वो नींद की गोलियाँ भी वो खान साहब से ही लेंगे। खान साहब ने कोई फार्मेसी खोली हुई है? नहीं, उनके पास उनके भी जो है ना टेबल वो बेड के साथ। यार आप पटवारी टाइप के आदमी साउंड कर रहे हैं, आप हर बात पे खान साहब पे वापस चले जाते हैं। सॉरी खान साहब, नहीं आप मेरे मोहसिन है भाई, उन्होंने कायदे आज़म के फरमानों को जो है तो आगे लेके चले। सॉरी, अच्छा नहीं, खान साहब हमारी रेड लाइन है, खान साहब हमारी रेड लाइन है, हमारी बिल्कुल रेड लाइन है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये फिर कब मुकाबला जो चल पड़ा है, कभी जावेद चौधरी साहब कौन सा मुकाबला, कैसा मुकाबला? एक तरफ से मज़हर बरलास साहब का आलम लिखते हैं, एक तरफ कोई और लिखेगा, हामिद भाई ने लिखे, सलीम साफी ने लिखे, साले जाफर साहब रह गए हैं। साले जाफर साहब तुसी भी कास्ट लिख चलो। नो, साले जाफर तो लेवल नहीं है। अच्छा ये लेवल ऊपर चला गया, ये ऊपर चली गई गेम, चली गई। और आपको पता है इसमें एक और भी बड़ी मजेदार बात है, जावेद चौधरी साहब की ही लाइन उन्होंने, मेरा ख्याल है जावेद चौधरी साहब से डायरेक्टली ले लिया उनके किसी प्रोग्राम से। कल तक से वो जो शुरू में अपना मोनोलॉग नहीं देते जावेद चौधरी जिसमें वो कहानी सुनाते होते हैं, तो यहाँ पर वो फरमाते हैं कि एक साहपहर इस खाकसार ने इमरान खान से पूछा कि आखिर शहजादे ने आपसे कुछ तो कहा होगा। शहजादे ने उल्लू के कान में कहा, जो जावेद चौधरी सुनाते हैं, तो शहजादे ने इमरान खान के कान में क्या कहा? वो कहते हैं कि मेरे इस जुमले पर इमरान खान ने कहा बातें तो बहुत हुई मगर एक बात शहजादे ने बहुत खतरनाक की, लेकिन मैंने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया, इससे अपनी बात पर कायल किया। मैंने अर्ज किया कि आखिर वो कौन सी खतरनाक बात थी? इस पर इमरान खान बोले, एमबीएस ने मुझसे कहा कि हम ईरान पर हमला करना चाहते हैं, आप हमारा साथ दें। मैंने शहजादे से कहा आप ईरान में से जंग ना करें क्योंकि दोनों मुसलमान मुल्क हैं। एंड देन शहजादा थॉट कि अच्छा, मैंने सोचा कि जब खान साहब ने कहा कि बहुत सारी बातें की, साला इस तरह तो हमने सोचा ही नहीं था। खान साहब ने जब ये कहा कि हमने बहुत सारी बातें की थी, मुझे लगा 32-33% मुसलमान है, बाकी यहूदी क्रिश्चियन रहते हैं उधर। मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पर मुसलमान अच्छा अच्छा है। अच्छा बात हो रही है, थोड़ा सा हिल गया था। 45 मिनट्स की टोटल गुफ्तगू थी, उसमें से तकरीबन 15 मिनट तो ये ईरान के ऊपर हमले के ऊपर हो गए। खान साहब ने इतनी बताई है, खान साहब ने तकरीर की होगी। मैं वही बताने लगा हूँ, वही पूछने लगा हूँ कि बाकी जो 30 मिनट से खान साहब ने उसमें क्या मशवरा। इकबाल के अशार सुनाए होंगे उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के हवाले से, फिर उन्होंने कुछ बताई नहीं, शेर सुनाते नहीं होते वो, सिर्फ शेर का मफहूम बताते होते हैं, वो शेर याद नहीं रहते उनको। शेर किसी और के भी इकबाल के खाते में डाल देते थे। और शेर से याद आया कि वो जो सुना बरतानिया में शेर बैठे हैं वो पाकिस्तान आने से इंकारी हो गए, उसके बारे में वो उनकी धूम काट के ले गए कोई, वो बिल्कुल। आपने पेट्रोल कर दिया 180 का, क्यों पहले पेट्रोल 180 का करे ना। अच्छा वो लिख दिया हुआ है, वो भी आ चुकी हुई बात कि जिस दिन पेट्रोल 180 का होगा मियां साहब मैं आ जाऊंगा, यानी कि ना ही आना मियां साहब, आपने नहीं आना इसका मतलब है, क्योंकि पेट्रोल तो मजीद महंगा होने वाला है। ऐसे खैर मियां साहब हम आपको ब्लेम भी नहीं कर रहे, मतलब हमसे गलती हो गई, हम बरतानिया छोड़ के वापस आ गए, आप बताइएगा वहीं रहे, साफ सुथरा मुल्क है।